हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद, आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जनरल साइंस में बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, मीन जीवाणु, तो जीवाणुओं से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, और उसके द्वारा कौन सा हमारी बॉडी का पार्ट्स इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल वाले बटन को दबा के घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले जो हमारी डिजीज़ है, मतलब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है इस तरफ बीमारी का नाम, और उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है उसका नाम, और जीवाणु का नाम, ठीक है, मतलब किस बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिटनेस के बारे में, ठीक है, टिटनेस। तो टिटनेस की वजह से हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, आप सबको पता है ना, कि जिसके द्वारा हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है। सपोज आपको कहीं चोट लगती है तो आपको दर्द महसूस होता है, तो किसकी वजह से, तंत्रिका तंत्र की वजह से। आपको मैं निप करूं, कुछ भी करूं, चुटकी काटूं, या फिर आपको इवन कहीं भी चोट कुछ भी लगती है तो आपको कैसे पता लगता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा आपको पता लगता है। नेक्स्ट, और जो आपका जीवाणु होता है कौन सा होता है, कौन सा जीवाणु इसका उत्तरदायी होता है, तो आपका क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जो बैक्टीरिया होता है, इसी की वजह से कौन सा रोग होता है आपका, टिटनेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हैजा, तो हैजा की वजह, जो आपका हैजा होता है उससे हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत, ठीक है, इंटेस्टाइन, आंत जो होते हैं वो हमारी क्या होती है, प्रभावित होती है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलेरी नामक, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी नामक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, इसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, हैजा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, टाइफाइड, तो टाइफाइड बीमारी में हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो भी क्या होता है, आंत, ठीक है। और बैक्टीरिया कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। देखिए आपके एग्जाम, कंप्लीट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, ठीक है, तो आपको बताना है साल्मोनेला टाइफी, मतलब, और ये ऐसे पूछ लेता है कि टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है, आंत, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से तीनों में से घुमा फिरा के पूछता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्षय रोग, जिसे आप टीबी के नाम से भी जानते हो, ठीक है, तो क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, क्षय रोग जिसे ट्यूबरक्लोसिस या टीबी बोलते हो आप लोग, तो इससे हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। और जो बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है फ्रेंड्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से क्षय रोग होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया से हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वास नली, ठीक है, जो हमारी श्वास नली होती है वो प्रभावित होती है, मतलब श्वास वगैरह लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो श्वास नली, तो श्वास नली इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु की वजह से ये रोग होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मतलब ये सोच रहे हैं कि पूरा मैं भी जैसे हैजा हुआ, टिटनेस हुआ, टाइफाइड, क्षय रोग, इसके बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूं कि कौन से सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमें पता लगे कि हाँ ये रोग हो रहा है, ठीक है, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, मतलब किस बीमारी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि किस बीमारी के कौन से लक्षण होते हैं, तो कमेंट कर दीजिए, इसके लिए हम आपको सेपरेट क्लास प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल में अभी ये हमारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्या है, प्लेग, ठीक है, तो प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा, ठीक है, जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है प्लेग से। और जो बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, पास्चुरेला पेस्टिस। और नेक्स्ट आपका अगला क्या है, काली खांसी, ठीक है, काली खांसी, देखो नाम से पता चलता है मतलब काली खांसी, काली कैसी होगी, बट इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, देखो इसमें आपका जो प्रभावित अंग होता है कौन सा होता है, श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र होता है। और
किसकी वजह से होता है? हीमोफिलस पर्टुसिस, ठीक है, किससे होता है? हीमोफिलस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से बीमारी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका काली खांसी से मतलब है कि मतलब भाई खांसी काली नहीं होती, सनी ब्लैक नहीं होती वो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है, लगातार कंटिन्यू बहुत ज़्यादा व्यक्ति को खांसी आती रहती है, ठीक है। अगला आपका है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ भी आपका लंग्स ही प्रभावित होता है, फेफड़ा। और इसमें जो आपका उत्तरदायी कौन सा जीवाणु होता है? आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जो आपका बैक्टीरिया होता है, इसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है आपकी? निमोनिया, ठीक है। अगला आपका है कोढ़, ठीक है, लिप्रोसी जिसे बोलते हो। तो कोढ़ जो होता है, कोढ़ से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा। मतलब आपने देखा होगा कि सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं बॉडी पे, ठीक है, पूरा पूरी बॉडी सफ़ेद हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, किसकी वजह से होता है? तो आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा ही आपका क्या होता है, ये कोढ़ रोग होता है। लास्ट आपका है फ्रेंड्स गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया। तो गोनोरिया आपका क्या है, मूत्र मार्ग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मूत्र विसर्जन करने में सारी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा जीवाणु होता है? तो नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है, नाइसोरिया नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है, ये आपका क्या होता है, जीवाणु होता है। फ्रेंड्स, हर एक डिजीज़ के बारे में मैंने आपको तभी बोला था कि अगर टिटनेस के बारे में जानना, हैजा, टाइफाइड, क्षय, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, कोड, गोनेरिया गोनोरिया, ठीक है, इन सभी बीमारियों के सिम्टम्स जानना है, लक्षण क्या होते हैं और अच्छे से इनको समझना है, तो कमेंट में बताइए, ज़रूर हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे टॉपिक जो है आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि टिटनेस से प्रभावित अंग क्या होता है, तो ऑप्शंस में कई सारा रहेगा, तो आपको समझना है तंत्रिका तंत्र, या फिर ऐसे ही पूछता है कि टिटनेस किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो क्लॉस्ट्री डीएम टेटेनी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो फिर, क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके फ्रेंड्स क्लास को शेयर कीजिए, और किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन उससे पहले यार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर अभी तक नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब, तो अभी तक नहीं किया हो तो फिर करके आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी हम क्लासेस करवाएं तभी तो आपको मिल पाएंगी यार, क्योंकि हमारे और आपके कनेक्शन का तो यही एक माध्यम है, ठीक है ना। चलो फिर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जितना हो सके फ्रेंड्स क्लास को शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।